हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सही होंगे। तो जैसे कि हम सॉल्व कर रहे थे उत्तराखंड का ड्राफ्टमैन का पेपर, तो ये सभी के लिए ड्राफ्टमैन जो भी स्टेट का है, जिस भी स्टेट से ड्राफ्टमैन के और जूनियर ड्राफ्टमैन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रिपीटेड मोस्टली रहते हैं, तो अच्छे से इसको करके जाइए। ओके, तो जो जो यहाँ पर रहेंगे क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन है इसमें, तो हम सारे पेपर के सॉल्यूशन कराने वाले हैं। ओके, तो पार्ट वन और पार्ट टू में हमने 75 तक कर लिए थे, आज खत्म हो जाएंगे 76 से। तो जिसने भी पार्ट वन पार्ट टू नहीं देखे, देख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम 76 का क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं इन द होल सर्किट बेरिंग, किसमें दिया? डब्ल्यू सी बी में दिया है, सिस्टम में। नॉर्थ 44 डिग्री 30 मिनट वेस्ट में दिया है, विल बी एक्सप्रेस, यानी कि नॉर्थ और वेस्ट का दिया है। तो आप देख सकते हैं नॉर्थ और वेस्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये कितना जा रहा है, ये 360 घूम रहा है, ठीक है। तो 360 में से 44 डिग्री 30 मिनट जैसे ही आप माइनस करते हैं, तो ये 315 डिग्री 3 मिनट 30 डिग्री यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द लास्ट स्टार रीडिंग एनी सेट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटर एंड इंडिकेट शिफ्टिंग, यानी कि वो बोला लास्ट रीडिंग कौन सी आपकी, ठीक है। सबसे पहले कौन सी होती है? थियोडोलाइट लगा दिया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपके पास बैक साइड होती है, फिर अगर आपने बीच बीच में लेना है तो इंटरमीडिएट साइड, ठीक है। फिर उसके बाद लास्ट रीडिंग कौन सी होती है? फोर साइड होती है। तो फोर साइड, ये इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, द वन ईयर थियोडोलाइट द लीस्ट काउंट इज, यानी कि जो वन ईयर थियोडोलाइट की, थियोडोलाइट की लीस्ट काउंट कितनी होती है? 20 सेकंड होती है, ठीक है। तो ये 10 से 20 सेकंड के बीच में आ रहा है, तो डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, द एंड सपोर्ट ऑफ ब्रिज सुपर स्ट्रक्चर इज नोन एज, यानी कि एंड ब्रिज में आप ब्रिज मान लीजिए, ठीक है। इसको तो आप लोगों को सभी को पता ही होगा, ठीक है। तो कैसे क्वेश्चन बनते हैं हम वो बता रहे हैं। तो जो फर्स्ट एंड लास्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? एबेडमेंट बोलते हैं, लास्ट एबेडमेंट, ठीक है। बीच वाले क्या होते हैं? ये आपके यहाँ पियर्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एंड लास्ट कौन सा? एबेडमेंट, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द ब्रीथ ऑफ कैनाल इज 1 मीटर देन द फ्री बोट विल बी, यानी कि यदि नहर की चौड़ाई 1 मीटर है तब फ्री बोट दिया जाएगा। नहर की चौड़ाई 1 मीटर है, मान लीजिए नहर है आपके पास, तो आपकी जो चौड़ाई है 1 मीटर है, तो उसमें क्या आपके यहाँ फ्री बोट कितना दिया जाता है? वो दिया जाता है 0.30 मीटर का फ्री बोट दिया जाता है, ठीक है। फ्री बोट जहाँ तक पानी भरा जाता है, उसका जो टॉप लेवल होता है यहाँ से यहाँ तक की, इसको कहते हैं फ्री बोट। इसी आपको टेबल बता दिया जाए, ठीक है, टेबल बता देते हैं। तो टेबल आपके पास ध्यान में रखना, मान लीजिए डिस्चार्ज है आपके पास और ये क्या है? फ्री बोट दिया है, ठीक है। तो ये टेबल आपके पास कुछ, ठीक है, तो मान लीजिए टेबल है आपके पास, तो अगर आपके पास डिस्चार्ज अगर 10 से ज़्यादा है तो ठीक है, तो ये आपके पास वैल्यू 0.75 हो जाती है। अगर डिस्चार्ज की वैल्यू 5 से 10 के बीच में है तो आपके पास कितनी हो जाएगी? 0.60। अगर वही डिस्चार्ज की वैल्यू 1 से 5 के बीच में है, जो आपकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5। अगर डिस्चार्ज की वैल्यू 1 से भी कम हो जाती है तो ये वैल्यू कितनी हो जाती है? 0.3 हो जाती है। अब याद था ना, एक, ठीक है, 1 मीटर, तो 0.30। अगर आपके पास 0.06 से भी डिस्चार्ज की वैल्यू कम हो जाती है, डिस्चार्ज मतलब यानी कि इसमें जो मैक्सिमम पानी आ रहा है, 0.1 से 0.15 वैल्यू तक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये टेबल आप लोग याद कर लीजिए, अगले क्वेश्चन में जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ठीक है। बीम इन विच वन एंड इज फ्री अदर एंड इज, मतलब वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फिक्स्ड, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है कैंटिलीवर बीम। एक आपका ये तो सरल है, एक एंड फिक्स्ड, एक एंड फ्री, कैंटिलीवर बीम बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, द क्लियर कवर ऑफ स्लैब, स्लैब के लिए कितना होता है? इसमें कोट नहीं दिया है, तो कोट नहीं दिया तो 15 mm, अगर कोट दिया होता तो मान लीजिए आपके पास 4, 5, 6 2000 करके दिया होता तो आगे आप 20 mm लगाते, ठीक है, कोड दिया होता तो। अगर 1978 दिया होता तो 15 mm उसके अकॉर्डिंग, कोई कोड नहीं दिया तो उसी के अकॉर्डिंग, पुराने कोड के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। आप इसमें ऑब्जेक्शन भी कर सकते हैं वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फॉर ऑल टाइप ऑफ जनरल RCC वर्क, जनरल के लिए, ठीक है, द रिकमेंडेड ऑफ द मटेरियल स्क्वाड, यानी कि कोई भी कोड नहीं दिया तो हम M15 लेंगे। अगर हमें कोड दिया होता तो मान लीजिए 4, 5, 6, 2000 के अकॉर्डिंग कितना लेना? M20। कोड नहीं दिया तो M15 के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा M15 के अकॉर्डिंग 1, 2, 4। तो आयोग ने भी 1, 2, 4 कराया, अगर कोड दिया होता M20 करते 1, 2, 3, अभी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ऑब्जेक्शन आप लोग लगा सकते थे, ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ सीमेंट कंक्रीट का कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन थर्मल एक्सपेंशन, वो आपके पास है 3×10^-6 पर डिग्री सेल्सियस, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी ऑफ कार्बन, या स्टील में कार्बन की मात्रा को बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो क्या चीज़ डिक्रीज होगी? ठीक है, कार्बन की मात्रा हमने बढ़ा दी स्टील में, तो क्या चीज़ डिक्रीज होगी? वो होती है आपकी डक्टिलिटी डिक्रीज होती है, टेंसिलिटी डिक्रीज हो जाती है, इसी को बोला जाता है टेंसिलिटी, ठीक है। तो टेंसिलिटी इसको बोला था, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम इसमें,
ठीक है, नियरेस्ट एच डिस्टेंस, यानी कि एच डिस्टेंस पूछ रहा, ये स्टील का क्वेश्चन है, सेंटर मेंबर ऑफ द रिवेट शुड नॉट बी लेस देन, ठीक है, तो किसके लिए पूछा, तो ये एच डिस्टेंस पूछ रहा, किसी ने नहीं पूछ रहा, तो ये 1.5D हो जाएगा, क्यों, क्योंकि 1.5D किसके लिए होती है, ये होती है मशीन के लिए, ठीक है, 1.7D किसके लिए होती है, हैंड के लिए होती है, एच डिस्टेंस, ठीक है, तो अभी 1.7D नहीं है, तो 1.5D इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम इसमें, एन RCC कॉलम इज रिकॉर्डेड एज लॉन्ग कॉलम इफ द रेशियो ऑफ अनसपोर्टेड लेंथ बिटवीन इट्स लीस्ट लेटरल डायमेंशन इज मोर देन, ठीक है, किससे ज़्यादा होगा, तो ये 60 से ज़्यादा, यानी कि लॉन्ग कॉलम पूछ रहा है, तो ये आपका 60 से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बात कर लेते हैं इसमें, कुछ बता देता है आपको, मान लीजिए आपके पास 3 से कम है तो क्या हो जाएगा, पेडिस्टल कहते हैं उसको, ठीक है, वही बात करें 3 से 12 है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, शॉर्ट कॉलम, वही बात करें हम 12 से 60 है तो इसको मीडियम कॉलम बोलते हैं हम, वही बात करें हम 60 से भी ज़्यादा है तो इसको हम क्या कहते हैं, लॉन्ग कॉलम, ठीक है, तो 60 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम इसमें बात करते हैं, द पार्सली सेफ्टी फैक्टर ऑफ कॉन्क्रीट, यानी पार्सली बोल दिया किसके लिए है, LSM के लिए, ठीक है, पार्सली नहीं होता, WSM के लिए होता, तो किसके लिए बोला, कॉन्क्रीट के लिए बोला, तो 1.5, स्टील के लिए कितना होता है, 1.15, तो DC इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो द अंडर सर्फेस ऑफ एन RCC को, अंडर सर्फेस कौन सा होता है, इंटरडोस होता है, ठीक है, अंडर सर्फेस, अगर अंडर सर्फेस बोल दिया तो इंटरडोस लगाएंगे, ठीक है, करेक्ट आंसर B हो जाएगा, और एक्सटर्नल कितना होता है, एक्सटर्नल भी, एक्स्ट्रा डोज भी होता है, एक्सटर्नल सर्फेस, ठीक है, एक्सटर्नल सर्फेस क्या होगा, एक्स्ट्रा डोज, द कैविटी वॉल जनरली प्रोवाइडेड फॉर प्रिवेंटिंग डैमनेस, हीट भी होता है, साउंड भी होता है, कैविटी वॉल आप लोगों ने देखी होगी, दो दीवारों के बीच में जो गैप होता है उसको कैविटी वॉल बोला जाता है, ठीक है, ये जनरली जनरली 2 mm का गैप रखा जाता है, तो आपके पास ऑल ऑफ दिस इसका करेक्ट आंसर, साउंडनेस के लिए भी, हीट इंसुलेंस प्रिवेंट डैमनेस के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज इम्प्रूव्ड बाई, तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, सॉइल मृदा की धारण क्षमता बढ़ाने के लिए हम क्या उपाय करेंगे, डेप्थ को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, उसकी फूटिंग को बढ़ा सकते हैं, यानी कि फूटिंग को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, उसमें से ड्रेनेज कर सकते हैं, सॉइल से, सब सॉइल से पानी को ड्रेन कर सकते हैं, रैमिंग कर सकते हैं, रैमिंग द ग्रेनुलर लाइक मटेरियल क्रस्ट, यानी कि ऑल ऑफ दिस का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, अ टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर हैविंग प्लेटफॉर्म टू इनेबल लेबर टू वर्क एट डिफरेंट स्टेज ऑफ अ बिल्डिंग, यानी कि वो क्या कह रहा है कि अस्थाई जो संरचना भवन के विस्तृत स्तरों पर मजदूरों के कार्य करने के लिए प्लेटफॉर्म के रूप में बनाई जाती है, उससे क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है, हम क्या बोलते हैं, इसके फोल्डिंग बोला जाता है, यानी कि क्या होता है आपके पास, जो बैम्बू के बनाए रहते हैं, ठीक है, ये क्यों बनाते हैं हम, ये टेम्परेरी रिजिड बनाते हैं स्ट्रक्चर, या तो आपके पास किसी बिल्डिंग में आपके पास क्या करना है, प्लास्टरिंग करनी है, एक्सटर्नल प्लास्टरिंग करनी है उसके काम, या फिर आपके पास पेंट करना हो, ठीक है, पेंट करना हो उसके काम आप बनाते हैं इसलिए, ताकि मजदूरों को आसानी रहे, मजदूर इसमें चढ़ते हैं, ठीक है, ये बनाते हैं, ठीक है, तो इसके फोल्डिंग जो होती है टेम्परेरी रिजिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द पीस ऑफ ब्रिक कट विथ इट वन कॉर्नर इक्वलेंट टू हाफ द लेंथ एंड हाफ द ब्रिथ ऑफ अ फुल ब्रिक इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं, यानी कि एक ईट है उसकी लेंथ को भी आधा काट दिया और उसकी चौड़ाई को भी आधा काट दिया, उसको क्या बोलते हैं, किंग क्लोजर, इसको कितना काटते हैं हम, 3/4, तो इसको किंग क्लोजर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम इसमें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मान लेते हैं इसमें, ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ हाइट ऑफ द राइज फर्स्ट स्टोरेज ऑफ बिल्डिंग इज 3.20 meters एंड राइजर इज 13 cm, नंबर ऑफ ट्रेड, नंबर ऑफ ट्रेड की बात कर लें, सबसे पहले हम बता देते हैं इसको, ट्रेड्स का फॉर्मूला क्या होता है सबसे पहले, ठीक है, इसमें बना के राइस माइनस वन, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है, हम लोग ध्यान में रखना, कितना देर का, 3.20 meters देर का, इसको हम चेंज करते थे सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर में कितना देखते हैं, 320 cm, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पहले हम देख लेते हैं इसमें राइस निकालना है ना, पहले राइस का भी तो पता होना चाहिए, राइस जुगड़ के होगा 320 upon कितना है 13, तो 13 हमें इसमें दे देगा, तो 13 स्टीयर राइजर हो गए, तो 13 से आप जैसे इसको कट करोगे तो हेडर है, ये राइजर है, ठीक है, तो जैसे इसको कट करेंगे तो ये आपके पास इसमें पुट वैल्यू रख देना, तो जैसे ही आप इसमें पुट करते हैं तो ये कट करके आपके पास कितना हो गया, 25 हो गया, तो 25 यहाँ पे रखना, 25 - 1 = 24 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसमें बात कर लेते हैं, द कपल रूफ इज यूज फॉर स्पान, कपल रूफ का स्पान कितना होता है, 3.5 meters और या फिर उससे कम होना चाहिए, ठीक है, कपल रूफ भी होता है, ठीक है, कपल रूफ ट्रस भी होती है, ठीक है, अलग अलग होते हैं, इसको आप याद कर लीजिए, लीफ रूफ होता है कितना होता है, जैसे लीफ रूफ 2.5 होता है, तो ऐसे याद करने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं इसमें, ठीक है, इफ कूपिंग स्लोप प्रोवाइड इन DPCR वेदरिंग कूपिंग कोर्स थ्रोडिंग या फिर नॉन ऑफ दिस, तो चलिए, इफ कूपिंग स्लोप इज प्रोवाइड इन DPCR, यानी कि कूपिंग स्लोप में जो ढाल दी जाती है वो DPC की वजह निकले, क्या कहते हैं उसको, वेदरिंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लेस वेयर टू स्लोपिंग रूफ मीट टू टॉप टुगेदर इज कॉल्ड रिज, यानी कि यहाँ से जब दो ढलान छत आपस में सीरीज वाले मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं, रिज बोला जाता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो
आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैम प्रॉब्लम इज मोस्टली प्यूरी, यानी कि डैम जो डैम प्रॉब्लम यानी कि डैमनेस की जो प्रॉब्लम आती है वो सबसे ज्यादा किससे आती है? वो आती है आपके पास जैसे आपने ब्रिग मैसनरी लगा रखी, तो ब्रिग मैसनरी स्ट्रक्चर में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ठीक है, स्टोन मैसनरी में ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मोस्टली आती है प्रॉब्लम ब्रिग मैसनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल लेंथ या स्टोन विच इज लेट इट्स लेंथ परपेंडिकुलर टू द फेस ऑफ, यानी कि जो दीवार के जो परपेंडिकुलर लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, हम हेडर बोल देते हैं, और पैरेलल स्ट्रक्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 लास्ट क्वेश्चन है, द हाइस्ट सेंट्रल वे शेप्ड ब्लॉक ऑफ एन आर्च इज कॉल्ड, यानी कि जो हाइस्ट जो आप आर्च बनाते हैं, ठीक है, जो सेंट्रल में आपके पास ये दिखाया जाता है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, की स्टोन बोलते हैं, की स्टोन। तो इसका डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, की स्टोन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 100 क्वेश्चन ही थे, 100 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं इस पेपर में, ठीक है। तो चलिए हम कुछ बात कर लेते हैं इसमें, जो भी आपके पास PSSB जूनियर ड्राफ्टमैन, कोई भी स्टेट ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है, ठीक है, या चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के लिए जो भी ड्राफ्टमैन की तैयारी कर रहा है, उसकी एक पोस्ट है, वो पता है सभी को, ठीक है, एक ही पोस्ट में, यहाँ पे फॉर्म भी कम भरेंगे, एक पोस्ट है, तो मेहनत करिए, यहाँ पे निकलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, ठीक है, एक पोस्ट में। तो क्या होगा, आपके पास PDF मांग सकते हैं हमसे, और इसका हमने जो PDF है, पेपर की PDF हमने टेलीग्राम में ले, टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कर लिया, डिस्क्रिप्शन में दिया है, जो उसके PDF की नीड है, ठीक है, वो आप ले सकते हैं PDF। बाकी देखिए हमारे जो आने वाले हैं, अभी हम करेंगे, अब करने वाले हैं फुल मॉक स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, मॉक स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है, उसकी भी PDF मिल जाएगी आपको, वो डायरेक्ट आपके पास क्या होगी, डायरेक्ट टेलीग्राम में डाल देंगे हम, ठीक है, वहाँ से ले लेना आप, जो भी पुराने स्टूडेंट पेड वाले हैं डायरेक्ट टेलीग्राम में ले लेना, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो बाय द वे, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो फुल मॉक टेस्ट के साथ, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू, एंड जय हिंद, जय भारत।